कैसी यहाँ की दुर्दशा इतनी खराब कैसे हुई मैम? ये तो आप बोलो ना उन्हें, विधायक को बोलो कि यहाँ पे साफ अच्छे अच्छे दिनेश मुनिया कभी शिकायत नहीं दर्ज की यहाँ पे अच्छी खासी पार्क को हटाते यहाँ के लोग शिकायत नहीं करे तभी तो ऐसा हो रहा है। जो है कूड़ा क्यों फेंकते हैं यहाँ पे? कभी कूड़े का भी जो है आम पब्लिक फेंक जाती है तो आप लोग कभी विरोध नहीं करते कि मैम ये काम तो या तो एमसीडी का होगा उधर? यहाँ पे नशे भी किए जाते हैं मैम। देखो दिन में तो कोई नशा नहीं करता, रात का हमें पता नहीं है। हमने एमएलए से एमपी से सबसे शिकायत करी है मगर ये चीज को सुनवाई धीरे धीरे हो रही है बहन। मसला यहाँ पर यह है ना कि यहाँ सब अपने जेब भरने के लिए बैठे पड़े हैं। सत्ता में आने से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पे एक बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क मिलेगा, आपके क्षेत्र में स्कूल मिलेगी और हॉस्टल रहेंगे। जो मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे एक मोहल्ला क्लिनिक आप देख लेना, अभी उसकी बहुत बुरी हालत है। जिम के इक्विपमेंट लगवाओ, हम भी बॉडी बिल्डर बनेंगे अब। और यहाँ पे बरसात में बहुत बुरा हाल हो जाता है, जो कितने लोग गिरते हैं, मरते हैं, बीमार पड़ते हैं बीमारियों से, गली मोहल्ले में बहुत बुरा हाल है। इत्तेफाक की बात है कि तीनों एक ही पार्टी के निगम पार्षद हैं लेकिन काम कोई नहीं करने को राजी है, सब अपने जेब भरने को हैं तैयार हैं। पहले कूड़ेदान होया करता था बहुत पहले, ये बाउंड्री कुछ नहीं होया करती थी। अच्छा। फिर उसके बाद इसे धीरे धीरे एमसीडी के बंदों ने, विधायकों ने यहाँ के फिर इसे पार्क बनाया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जल को दिल्ली में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के संगम विहार इलाके में, जहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा खराब हालत यहाँ की हुई पड़ी है। पहले लोगों का ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे पार्क हुआ करता था लेकिन अब ये पूरी तरह से पार्क को कूड़ा घर यहाँ पे जो है वो बना दिया गया है। तो चलिए लोगों से जानते हैं कि आखिर इसकी इस तरह की हालत किस तरह से हुई थी। यहाँ पे पहले क्या हुआ करता था इस एरिया में? पहले तो ग्राउंड था, अच्छे खासे लोग झूला उला लगा था। हाँ। अब तो ये मलबा डल गया, शायद हटा दिया इसलिए। किस वजह से हटाया? कोई वजह नहीं थी? ये तो वजह नहीं पता, काम आम चल रहा है, मेट्रो मिट्टी ला के डाल दी इसमें। अच्छा। इस वजह से और लोग आया कूड़ा भी डाल देते हैं अब। कूड़ा घर बना दिया। कूड़ा तो कभी शिकायत नहीं दर्ज की यहाँ रहने वाले लोगों ने कि यहाँ पे अच्छी खासी पार्क को हटा दिया? यहाँ के लोग शिकायत नहीं करे तभी तो ऐसा हो रहा है, अगर शिकायत करते तो फिर अब तक ये ऑप्शन उठना चाहिए था। आप भी यही रहते हैं? जी। तो कैसी यहाँ की दुर्दशा इतनी खराब कैसे हुई मैम? ये तो आप बोलो ना उन्हें, विधायक को बोलो कि यहाँ पे साफ अच्छे अच्छे दिनेश मुनिया। अच्छा जी, यहाँ पे बोलो सफाई पाई करे, बच्चे अच्छे खेले, पार्क बनाओ। ये देखो आप कूड़ा उड़ा इतना पड़ा है, अभी कोई नेता आएगा मीटिंग होगी तो फट साफ हो जाएगा। अभी कोई भी नेता आएगा, कोई बीजेपी का, कांग्रेस का या झाड़ू वाले का, तो ये साफ हो जाएगा एकदम। लेकिन अभी जो है अभी कोई साफ वाफ कुछ नहीं है, आप देख ही रहे हो यहाँ के हालात। या तो आप अपने न्यूज से बोलो कि उन्हें यहाँ पे कोई पार्क बनाए बच्चों बच्चों के लिए। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं की या फिर जब इस पार्क को तोड़ा जा रहा था तब किसी ने विरोध? ये तोड़ा नहीं है, ये जो अभी छठ पूजा आई थी यहाँ पे वो बनाए थे दो छठ पूजा के। अच्छा। अब ये छठ पूजा चली गई तो इसे मिट्टी को भर के चले गए, अब कोई नहीं देख रहा। ये केंद्र विद्यालय स्कूल की दीवार है, ये अभी इन्होंने यहाँ पे रिपेयरिंग करी है, बाकी इस प्लॉट के मामले में तो कुछ हो नहीं रहा है। अगर आपकी न्यूज से कुछ हो सकता है तो बच्चों के लिए बनवाओ पार्क वारक, हम तो यही कहेंगे। कभी हमारे कोई मौका, जिम के इक्विपमेंट लगवाओ, हम भी बॉडी बिल्डर बनेंगे अब। अच्छा। ये मेरी तरह बनना चाहते हैं, थोड़ा तकड़े हो जाएंगे। ये बच्चे बैठेंगे, कोई राह सफर वाला आता है, ये बस स्टैंड है, कोई आता है। यहाँ पे जो है कूड़ा क्यों फेंकते हैं? यहाँ पे कभी कूड़े का भी कूड़ा जो है आम पब्लिक फेंक जाती है तो आप लोग कभी विरोध नहीं करते कि मैम ये काम तो या तो एमसीडी का होगा या तो ये एमसीडी वाले कराए या फिर जिनके पार्क अंडर में होता है वो कराए, हम क्या कर सकते हैं? हम तो आम आप लोग यहाँ के निवासी हो, अगर निवासी पब्लिक है, हम आम पब्लिक है, आम पब्लिक भी शिकायत दर्ज कर, शिकायत आपके थ्रू पहुंच जाएगी, शिकायत शायद करा दे, दिनेश मुनिया जी कराए या जो भी कराए। हम तो बस यही चाहेंगे इसमें पार्क बने, बच्चे बैठे आराम से खेले कूदे। यहाँ पे नशे भी किए जाते हैं मैम? देखो दिन में तो कोई नशा नहीं करता, रात का हमें पता नहीं है। दिन में तो आपके सामने पब्लिक बैठी है इतनी, ये बच्चे अच्छे खेल रहे हैं लेकिन साफ होगा जब ही तो बैठेंगे। बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये पार्क बने अच्छा सा साफ सुथरा, कोई राह चलता भी बैठ जाए
और ये बच्चे खेले कूदे, बस हमारा तो इतना ही है हमारा कहना। अभी कोई आया है यहाँ के सुधार के लिए? कोई आया है? जब मीटिंग होगी तो सब आएंगे। अभी अभी किसी नेता की मीटिंग होगी तो जरूर साफ होएगा ये। अगर कोई नेता नहीं आता तो साफ नहीं होगा। सिर्फ नेता आएंगे तो यहाँ साफ सफाई? हाँ, नेता के लिए होता है साफ, हमारी पब्लिक के लिए होना चाहिए साफ सुथरा। यही से आते जाते आप लोग? हाँ जी। तो ये कैसे यहाँ की हालत ऐसी? यहाँ की हालत जो है न, हमने एमएलए से एमपी से सबसे शिकायत करी है। अच्छा। मगर ये चीज को सुनवाई धीरे धीरे हो रही है बहन। हो रही है? कोई प्रोग्रेस हुई है यहाँ पे पहले से? पहले से प्रोग्रेस, डीडीओ की जमीन सब बेचते हैं। अच्छा। जंगल की जमीन बेचते हैं ये सब। आप बताइए भाई साहब, आप यहीं से आते जाते हैं रोज? हाँ, आता जाता हूँ। तो यहाँ की इतनी स्वच्छता है, आप इस पे क्या बोलेंगे? पूरी रात स्वच्छता क्या है? बहुत भीड़ भाड़ इतनी। देखिए चलना मुश्किल है। यहाँ पहले पार्क हुआ करता था ये बताया जा रहा है, तो यहाँ पे अभी इतनी गंदगी कैसे फैली? पहले यहाँ पे सही था, चीज अच्छी थी। यहाँ के विधायक दिनेश मौनिया और निगम पार्षद जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू, और तीनों निगम पार्षद आम आदमी पार्टी से है, विधायक भी आम आदमी पार्टी से है। मसला यहाँ पर यह है ना कि यहाँ सब अपने जेब भरने के लिए बैठे पड़े हैं। बस बस। और सत्ता में आने से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पे एक बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क मिलेगा, आपके क्षेत्र में स्कूल मिलेगी और हॉस्टल रहेंगे। जो मोहल्ला क्लिनिक, यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है आप देख लेना, अभी उसकी बहुत बुरी हालत है, कोई देख नहीं है। यहाँ पर साफ सफाई तभी होती है जब छठ पूजा होते हैं या विधायक जी को कोई प्रोग्राम कराना होता है तब, उससे पहले कोई भी साफ सफाई नहीं होती है, कुछ भी देखभाल नहीं होती है। और यहाँ का बहुत बुरा हाल है, सिर्फ चुनाव के टाइम वो आते हैं और चुनाव के बाद वो नजर नहीं आते। तो कभी विरोध नहीं किया यहाँ के नागरिकों ने? आप भी यहीं रहते हैं? मैं भी यहीं का निवासी हूँ। तो कभी विरोध नहीं हुआ इस बात का कि इतनी गंदगी में से आना जाना पड़ता है? वो होते हैं तो विरोध कहाँ करे, वो दिखते ही नहीं है। विधायक जी तो खानपुर के रहने वाले हैं और यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं सिर्फ आम आदमी पार्टी के नाम से, सिर्फ फ्री कर रखा है, कुछ चीज़ें होती नहीं है। और बिजली बिल जो फ्री है उसी मकान मालिक को मिलता है, किराएदार को किसी को नहीं मिलती है। उनसे 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये वसूली की जाती है और किराएदार को कोई भी बेनिफिट नहीं है इस सरकार से। और मुझे नहीं लगता कि अब दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आएगी, मुश्किल है। तो यहाँ पे जो आपके रोड वगैरह, इनकी हालत भी ऐसी है? सब ऐसी है। ये चोरीकरण होने वाला था यहाँ पे, पहले बहुत मुद्दा उठा था चोरीकरण का दिनेश मोहनिया को, पूरे दुकानदारों ने मोटा पैसा दे दिया दिनेश मोहनिया को, वो पैसा खा के बैठ गए हैं, लाखों रुपये उनको दिया दुकानदारों ने, अब चुपचाप बैठे पड़े हैं। चोरीकरण अब नहीं होगा। और यहाँ पे बरसात में बहुत बुरा हाल हो जाता है, जो कितने लोग गिरते हैं, मरते हैं, बीमार पड़ते हैं बीमारियों से, गली मोहल्ले में बहुत बुरा हाल है। और इत्तेफाक की तो बात यह है मैम कि यहाँ के जो निगम पार्षद हैं तीनों एक ही पार्टी के हैं। अच्छा। एक होता है कि चलो वो अगली दूसरी पार्टी का है, वो दूसरी पार्टी का तो मैं नहीं करूँगा, वो करेगा, वो नहीं करेगा मैं करूँगा, लेकिन इत्तेफाक की बात यह कि तीनों एक ही पार्टी के निगम पार्षद हैं, लेकिन काम कोई नहीं करने को राजी है, सब अपने जेब भरने को हैं तैयार हैं। आप लोग भी यहीं से आते जाते हो? हम तो यही रहते हैं। यही रहते हो? तो यहाँ की इतनी हालत खराब है, इस चीज़ पे कभी आप लोगों ने विरोध नहीं? यहाँ पे कूड़ेदान होया करता था, अभी पहले कूड़ेदान होता, लोग कह रहे हैं यहाँ पे पार्क होती, पहले कूड़ेदान होया करता था बहुत पहले, ये बाउंड्री कुछ नहीं होया करती थी। अच्छा। फिर उसके बाद इसे धीरे धीरे एमसीडी के बंदों ने, विधायकों ने यहाँ के फिर इसे पार्क बनाया। अच्छा। फिर उसके बाद यहाँ पे झूले वूले लगे, यहाँ पे जोगन वोगन करने के लिए बंदे आते थे, फिर ये धीरे 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 यहाँ पे छठ पूजा भी लगता है, यहाँ पे छठ पूजा भी होता है, छठ पूजा के समय साफ सफाई हो जाती है? सब छठ पूजा के समय तो जाती है, मगर अभी भी तो होना चाहिए, इतना बड़ा प्लॉट है, यहाँ संगम बिहार के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे कम से कम साफ सफाई तो होनी चाहिए। जब हमारा विधायक ही नहीं कुछ करेगा तो हम क्या करेंगे? कभी विधायक ने या किसी भी पार्टी के बंदे ने आके नहीं देखा कितनी हालत? नहीं, यहाँ जब साफ सफाई होती है, जब यहाँ पे कुछ फंक्शन होने वाला होता है। अच्छा, किस तरह के फंक्शन? जैसे कोई भी नेता वेता का कोई भी इलेक्शन, हाँ जब भी साफ सफाई होती है, बाकी ऐसे पड़ा रहता है। तो चलो हम एक बार देख लेते हैं यहाँ की पूरी दशा कैसी है। यहाँ पे देखो आप कितनी गंदगी, और ये बस स्टैंड के एकदम पीछे की ये हालत है। और यहाँ पे लोग जो हैं खुले तौर पे, लोगों द्वारा भी यहाँ पे पूरी गंदगी मचाई जाती है कि उन्होंने इसको कूड़ा घर बना दिया। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली के संगम विहार इलाके की क्या दुर्दशा है, यहाँ से बद से बदतर हालत जो है यहाँ की होती जा रही है। तो अपने रिव्यूज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।